तो आपने सबसे पहले पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। इधर आके ओपन कर लेना है, उधर ब्लैंक लिखा आ रहा है, इसको बना इस पर क्लिक करके ये प्रोजेक्ट बना लेना है। और इधर ना स्क्रॉल करके इधर ड्रा का ऑप्शन लिखा आएगा, ये आपने कर लेना है। और इधर ना फिल वाला ऑप्शन, शेप वाले ऑप्शन पर जाना है और रेक्टेंगल वाइज इस तरह की शेप ले लेनी है और इसको फिल रख के इधर कलर आके ग्रीन कलर रख लेना है। ग्रीन कलर रख के इधर ड्रा कर लेनी है शेप और इसको पूरी और इसको इस तरह से ड्रा कर देना है। ड्रा करने के बाद इधर आके ना टेक्स्ट पे आना है, टेक्स्ट पे आके अपना टेक्स्ट लिखना है। मैं वैसे लिख लेता हूँ आमा टी। ये लिखने के बाद आपने इसका कलर चेंज वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद इसका शेडो जो है वो बढ़ा लेनी है, 100 कर देनी है। और 100 करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको कैप का टैब में ओपन कर लेना है। इधर आपने जोन सी वीडियो पे ये लगाना है वो ऐड वीडियो ऐड कर देनी है। और इधर इसको ऐड कर ओवरले पे जाके ना ओवरले ये नीचे दिखा रहा है इस पर जाके इसको अपनी इसको टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। और इधर नीचे ना कटआउट में जाके क्रोमा की पे जाना है। क्रोमा की पे जाके इसको ना ये सर्कल सा आएगा, इसको आपने ग्रीन पर रखे और इसकी इंटेंसिटी आपने 100 कर देनी है। और बाद में शेडो पे क्लिक कर इसको भी 100 कर देना है। 100 करने के बाद इसको ब्लेंड मोड में जाना है और इसको ओवरले कर देना है। इस तरह आपका टेक्स्ट तैयार हो जाएगा और आपने इसको जिधर भी लगा रख के आपने यूज़ करना है वो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।